हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक है इन अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ अवर टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके अप्रोचेज आज हमने करने हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें, कैसे सॉल्व करें। उसके डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स की अगर हम बात करें कि हम प्रॉब्लम को किस स्ट्रेटजीज से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें बेसिकली हम दो स्ट्रेटजीज को फोकस करते हैं। फर्स्ट इज़ एल्गोरिदम, सेकेंड इज़ ह्यूरिस्टिक्स। तो ये दो बेसिक अप्रोचेज हैं जो आज के सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको इम्पॉर्टेंट हैं पढ़ने, क्योंकि ये दोनों अप्रोचेज जो हैं डिफरेंट, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसे हम फॉलो करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सिर्फ एल्गोरिथम के बारे में। तो गाइस, एल्गोरिथम क्या है? एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि हमें प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक प्रॉपर शेड्यूल होगा, ओके, एक प्रॉपर शेड्यूल बना होगा, तो हम उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी तरीके से एल्गोरिथम क्या है? प्रॉपर स्टेप्स होंगे जो आपको फॉलो करने ज़रूरी हैं ताकि आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ पाए, ठीक है। तो इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज़ शुरू की है, उसके डिफरेंट वेज हैं, तो आपको उनमें से एक वही वे चूज़ करना है जिससे आपको सोल्यूशन मिल पाए, ओके। अगर आप कोई दूसरा वे यूज़ करते हो तो वो आपको सोल्यूशन तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसीलिए एल्गोरिथम वही होता है जिसमें आपको एक करेक्ट सोल्यूशन मिलेगा, अगर आपके पास प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स हैं। अगर आपके पास प्रॉपर रूल्स नहीं हैं, आपके पास प्रॉपर वे नहीं है, तो आप उसको एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते। तो गाइस, एल्गोरिथम, जैसे कि मैंने बात किया, प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स होने ज़रूरी हैं। इसके साथ ही अगर हम एल्गोरिथम के डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहले ये जो मेथड है, आपको हमेशा हमेशा ही कोई ना कोई सोल्यूशन लेकर आएगा, चाहे वो जल्दी लेकर आए या लेट लेकर आए, ठीक है। तो एल्गोरिथम का एक बेसिक ये अजम्पशन आप मान सकते हो कि उसमें सोल्यूशन हमें मिलना ही मिलना है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स हैं। अगर हमारे पास प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स नहीं हैं, ये याद रखना ज़रूरी है कि अगर सेट ऑफ रूल्स नहीं है तो आपको सोल्यूशन कभी नहीं मिल सकता। आपको यहाँ पे गारंटी मिल रही है कि आपको सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स हैं। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम क्या है, होता है प्रॉपरली डिफाइंड होता है, उसके सीक्वेंस जो हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस जो हैं प्रॉपर सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को गारंटी देते हैं कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। तो इसकी हम एग्जांपल कहाँ से ले सकते हैं? मैथ्स से ले सकते हैं, क्योंकि मैथ्स के जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, प्रॉपर लॉजिक लगाना होता है। अगर आप वो लॉजिक नहीं लगाओगे तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर कोई और पर्सन वो लॉजिक लगा रहा है, वो फॉर्मूला यूज़ कर रहा है, तो उसको वो सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। तो आप मैथ को रिलेट कर सकते हैं एल्गोरिथम से, जिसमें हमें प्रॉपर एक स्टेप्स यूज़ करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको टेबल करना है, या आपको सम सॉल्व करना है, एब्स्ट्रैक्शन करनी है, सम करना है, डिवाइड करना है, तो वो आप थ्रू एल्गोरिथम ही कर सकते हो, क्योंकि आपको उसमें प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स मिलेंगे, प्रॉपर प्रोसीजर मिलेगा, वेल डिफाइंड सीक्वेंस होंगे जो आप फॉलो करोगे। तो इसमें एल्गोरिथम को भी आगे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि हम प्रॉब्लम को और इजीली सॉल्व कर पाएं, ओके। तो उसमें भी डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले है कि रैंडम सर्च कर सकते हो आप, सेकेंड इज सिस्टमेटिक सर्च। तो अभी हम दोनों इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा रैंडम सर्च। तो रैंडम सर्च में क्या होता है कि ये एक प्रॉपरली हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, रैंडमली किसी चीज़ पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड रैंडम सर्च, जिसमें हमारे पास एक शेड्यूल होता है या फिर एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, बट आप रैंडमली उसको सर्च करने की कोशिश करते हो और आपको उसका सोल्यूशन कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। वही हमने बात की जो लास्ट स्लाइड में, कि सूनर और लेटर आपको सोल्यूशन मिलना ही मिलना है, वही रैंडम सर्च है। आपको इसमें मे बी फर्स्ट ट्राई में ही मिल जाए, या आपको बहुत सारे ट्राइज के बाद सोल्यूशन मिले, जिसे हम ट्रायल एंड एरर का नाम भी देते हैं, ओके। तो इसमें हम यही है कि ट्रायल एंड एरर भी बोलते हैं इसको, क्योंकि सोल्यूशन तो मिलना ही मिलना है, मे बी आपको जल्दी मिल सकता है या फिर लेट मिल सकता है। इसके साथ ही ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बहुत ही सक्सेसफुल मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है, जो कि हमने आपको लर्निंग थ्योरीज में पता होगा कि थॉर्नडाइक ने इस मेथड को यूज़ किया था, जिसमें उसने पजल बॉक्स बनाया था, ओके। तो उसमें क्या होता था, कैट जो है उसको लीवर को प्रेस करती है ताकि वो उस पजल बॉक्स से बाहर निकल पाए।
इस तरीके से उसने क्या किया, ट्रायल एंड एरर को यूज़ किया, जो कि एक एल्गोरिथमिक टेक्निक है, या फिर आप रैंडम सर्च बोल सकते हो कि वो उससे जल्दी निकल सके। एक बार जब सोल्यूशन मिल गया तो उसका टाइम टेकन जो है कम होता गया और उसको सक्सेसफुली वो पजल बॉक्स से बाहर निकलती रही। इस तरीके से हम रैंडम सर्च के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमारा सेकंड जो है, डेट इज़ सिस्टमेटिक सर्च, जो इसमें क्या है, एक आपको प्रॉपर शेड्यूल यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। तो इसमें क्या है कि आप सारे पॉसिबल आंसर्स को यूज़ करने की कोशिश करते हो ताकि आप उस सोल्यूशन तक पहुंच पाओ। फॉर एग्जांपल, आप जैसे एनग्राम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, पजल्स होते हैं, वर्ड पजल्स होते हैं, तो उसमें क्या है, आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को अटैच करना पड़ता है ताकि आप उस वर्ड को तक पहुंच पाओ, उसका सोल्यूशन कर पाओ। तो जैसे कि ये एक वर्ड है ATC, तो ये एक सिंपल वर्ड है जिसे आप बहुत ही इजीली और जल्दी क्विकली सॉल्व कर पाते हो, जिसका आंसर है एक्ट। ओके, क्योंकि इस वर्ड्स की गिनती भी कम है तो आप उसको इजीली, आप उसे ACT को CTC, ठीक है, ATC कर सकते हो या एक्ट तक पहुंच सकते हो कि हाँ भी ये आंसर आने वाला है, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशंस भी कम बनते हैं। बट जैसे जैसे उनके कॉम्बिनेशंस बढ़ते जाते हैं तो उसी तरीके से ये जो सिस्टमेटिक सर्च है वो भी टीडियस होती जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं, थाउजेंड्स में कॉम्बिनेशंस बनते हैं ताकि आप इसको सॉल्व कर पाओ, जिसका आंसर है पोमेग्रेनेट। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक सर्च भी कभी भी कभी कभार टीडियस हो जाती है, कभी कभार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें टाइम टेकन बहुत ज़्यादा लगता है। पर आपको सोल्यूशन मिले इसकी गारंटी है, क्योंकि अगर आप सारे कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हो उसके बाद आपको ये सोल्यूशन मिलेगा, इसकी गारंटी है। बट जल्दी मिलेगा या लेट मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एल्गोरिथम जो है, हम जैसे आपने पढ़ा कि करेक्ट सोल्यूशन देने में हेल्पफुल हैं, बट ये कई बार टाइम टेकन भी ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि हम इन स्टेप्स को कई बार यूज़ नहीं करना चाहते अपनी डेली लाइफ में, क्योंकि हम पहले ही शॉर्टेज ऑफ टाइम में रहते हैं। तो आज हमें एल्गोरिथम के बारे में क्या पता लगा? आज हमें एल्गोरिथम के बारे में ये सीखा कि ये हम सिस्टमेटिकली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जब उसके पास प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स होंगे। और अगर एल्गोरिथम को हम यूज़ करते हैं, कुछ प्रॉपर रूल्स फॉलो करने ज़रूरी हैं ताकि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। तो इसमें सबसे पहले है कि आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप कौन सा सोल्यूशन ले पाओ, आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को सॉल्व करना ज़रूरी है। ये बहुत ही एग्जॉटिव टास्क है, क्योंकि आप बहुत ही एग्जॉस्ट हो जाओगे बहुत जल्दी, क्योंकि इसमें टाइम टेकन बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक दिस इज़ अ टीडियस जॉब। इसके साथ ही इसकी यूज़फुलनेस भी काफ़ी लिमिटेड है। आप हर प्रॉब्लम को सिस्टमेटिक सर्च में या रैंडम सर्च में सॉल्व नहीं कर पाते। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं आपको क्विकली सोल्यूशन चाहिए, तो वो क्विक सोल्यूशन एल्गोरिथम से मिलना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए ये इतनी ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं रहती हमारी डेली लाइफ के लिए। दीज आर देयर ड्रॉबैक्स ऑल्सो। तो इस तरीके से हमें एल्गोरिथम के क्या मेन टाइप्स हैं, एल्गोरिथम को कैसे यूज़ किया जाता है, एल्गोरिथम की क्या मेन फोकस है, वो आज हमने समझा। हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ह्यूरिस्टिक्स के बारे में, जिससे हमें दोनों का कंपैरिजन करके पता लगेगा कि कौन सा मेथड ज़्यादा यूज़फुल है अगर हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ओके गाइस, थैंक यू।